नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानिंद प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स की तरफ से। आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताई हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए बेसिकली यूपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाई है, और आप लोगों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे हमने बेसिकली जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने उसकी सारी ट्रिक्स में कवर करी है, और बहुत ही ईजी है। और देखिए अब मैं इसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग ये आपको मैं नहीं सिखा सकता हूँ, मैं आपको ट्रिक्स बता सकता हूँ जोड़ घटाओ गुणा भाग का, प्रैक्टिस से आपको अपने आप आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहला जो हमारी टाइप है, देखिए अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जब माइनस करना इज़ नॉट ईजी, माइनस करने में आपको दिक्कत होगी, तो आप क्या करिए यहाँ से इस पर ब्रैकेट लगाइए, बाहर से इस पर माइनस का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये किया, फिर ये क्या हुआ, बाकी का अंदर संख्या के प्लस में हो जाएगी, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये कुछ ऐसी संख्या आ गई। इसके बाद इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे देखिए फिर आया 22.345, और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का, 4.7 × 13.23 + 4.7 × ये, फिर ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल में इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको एसएससी के करा रहा हूँ, पर जो इसमें मैंने जो लेवल लिया है वो एवरेज तक का लिया है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं दिखाए हैं। और देखिए जो ट्रिक्स है इस पर आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत देखिए छोटे मोटे दिमाग, जैसे किसी किसी क्वेश्चन में आपको 2 या 3 मेथड यूज़ हो जाते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी मेथड के जो तरीके हैं सॉल्व करने के वो यही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप देखेंगे 4.7 सब में कॉमन है, तो भाई अगर कॉमन है तो हम इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो हमने ले लिया। इसके बाद ब्रैकेट में जो बची हुई संख्या है वो हमने अंदर लिख दिया, और फिर इसको सॉल्व ऐड करके 4.7 × 100, तो 470 आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद दोस्तों 1 × 0.1 × 0.01 × 0.0001, ठीक है। तो देखिए आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिला, आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है कि कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले क्या करिए, जब ऐसी संख्या मिले तो पॉइंट को भूल जाइए आप, कि पॉइंट आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पॉइंट है आपको, ठीक है। फिर आपको आप अगर पॉइंट हटा देंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि 1 आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट करिए कि पॉइंट टोटल कितनी संख्याओं के बाद है सब में, 3, 2, 1, ठीक है। तो 3, 2, 1 इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 3, 4, 5, 6, तो अब 6 संख्या बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा, वही यहाँ पे हमने किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों एक जो क्वेश्चन है आपको कुछ इस प्रकार का मिल सकता है फ्रैक्शन में डेसिमल में, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए डेसिमल से आपको डेसिमल काट दीजिए, क्योंकि 3 इधर है 3 इधर, डेसिमल से डेसिमल काट दीजिए, बचा क्या 200। फिर आपका जो अगर इसमें साहब डेसिमल से डेसिमल काट देंगे तो बचेगा क्या 25025/25। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1001, ठीक है। फिर देखिए जो दोस्तों इसमें हमारी एक और टाइप है, जो हमारी आखिरी टाइप है इसके अंदर, वो कुछ इस प्रकार की है। इसमें देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको देखिए अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले हैं जो हम बचपन में पढ़ते हैं 9th-10th में, आपको वो याद होने चाहिए। अगर वो आपको याद होंगे तब इसको बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, पहला वो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको पहले ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको संख्या दी है 4.53 − 3.07 और फिर अपॉन में 3.07, ये करके, ठीक है। ये तीन ये क्वेश्चन दिया है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये संख्या कॉमन है, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको नाम दे दिया ए, ठीक है, आपने इसको नाम दे दिया बी, आपने इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो बी है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये संख्या यहाँ भी लिखी हुई है, तो बी यहाँ हो गया, यहाँ सी आया है, यहाँ ए आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4.53 − 0.3.07 है ना, तो ये देखिए आपका जो ए है वो यहाँ पे आ गया। तो मतलब ये सम ए बी सी जो आपने नाम दिए यही यहाँ पे सब में लिखी हुई है, और कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा। देखिए जब ए ये ए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये ए स्क्वायर हो गया, बी माइनस बी इंटू सी, ए स्क्वायर बी इंटू सी, ये हो गया बी स्क्वायर सी इंटू ए, ठीक है, ये सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लिया, बी इंटू सी सी इंटू ए बी, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा a³ + b³ + c³ / ac, ठीक है। अब देखिए अलजेब्रा में एक नियम है कि अगर ए बी सी तीनों का सम जीरो है, a+b+c = if 0, तो a³ + b³ + c³ = 3 abc हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आप क्या करिए कि जो ए बी सी है,
ए बी और सी, इनकी वैल्यू रख के इनको सॉल्व करिए, ठीक है, बी की भी। और जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने करके देख रखा है, तो ये तीनों का सम हो जाएगा जीरो। जो ये संख्या है, ये संख्या है, और जो आपकी सी है, इन तीनों का जब आप ऐड करेंगे तो ये तीनों का सम हो जाएगा जीरो। और जो हमारा फिर अलजेब्रा का नियम है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो वो जीरो हो गया। फिर इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने रख दिया थ्री ए बी सी, अपॉन में ए बी सी था ही, तो ए बी सी कट गया, तो आपका आंसर आ गया थ्री, ठीक है। तो दोस्तों यही है कुछ ट्रिक्स आपके फ्रैक्शन और डेसिमल में, और यहीं से आपके लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखिए किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया जाएगा, तो उसमें आपको अपनी जो दिमाग है उसका यूज़ करना होगा, आपको सोचना होगा कि इसमें थोड़ी एक से ज़्यादा दो ट्रिक यूज़ हो गई है, दो से ज़्यादा तीन ट्रिक हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई ऐसा ज़्यादा आपको पुलिस कॉन्स्टेबल में कोई कठिन क्वेश्चन आने वाले नहीं है, बहुत ईजी आने वाले हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। मैथ्स आरआरबी वालों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए इनसे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे डेसिमल फ्रैक्शन में, इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन कोई इसी टाइप के पैटर्न में से कोई एक दो क्वेश्चन आएंगे, तो इसको कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, पेपर आने वाला है आप लोगों का यूपी पुलिस वालों से मैं कह रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, और प्रैक्टिस सेट लगाते रहना। जिन लोगों के पास प्रैक्टिस सेट नहीं है वो खरीद लें, जो कि आप लोग अभी तो सोचते हैं कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठेंगे ना, तो आपको उस टाइम के अंदर उतने क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होगी। मेन होता है स्पीड, तो स्पीड प्रैक्टिस सेट लगाने से बढ़ती है। तो आप प्रैक्टिस सेट सब लगाते रहना, मेहनत करते रहना, और सभी का सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर एग्जाम्स को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को टैप करें, और बाय हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।